मार्वल स्टूडियोज की एंट मैन एंड द वास्प क्वांटोमेनिया में दो एंड क्रेडिट सीन्स हैं और दोनों ही मेजर इम्प्लीकेशंस हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 के लिए। मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों ही डील करते हैं बिगेस्ट इशू जोनाथन मेजर्स के न्यू विलेन कैंग के साथ। कैंग इज अ ट्रू मल्टीवर्सल थ्रेट। जैसा कि केविन फाइगी ने कंफर्म किया था कि एमसीयू का फेज 4, फेज 5 और 6 को मल्टीवर्स सागा का टाइटल दिया गया है और मल्टीवर्स सागा का विलेन कैंग जिसे इस फिल्म में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है। मिड क्रेडिट सीन जिसमें हमें तीन कैंग वेरियंट दिखते हैं, इमोर्टस कैंग, रामाटूट एंड प्राइम कैंग, जो कैंग की मौत पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। रामाटूट को पहली बार 1961 में मार्वल कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया गया था एज इजिप्शियन फैरो और फैंटास्टिक फोर का विलन। इमोर्टस बाकी कैंग वेरिएंट से अपोजिट है, वॉयलेंस के लिए कम और मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा जाना जाता है। कॉमिक्स में इमोर्टस टाइम कीपर्स के साथ काम करता है अपने दूसरे वेरिएंट्स के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी इमोर्टस फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स का एंटेगनिस्ट है। लोकी के सीजन 1 में ही हू रिमेंस का लुक कॉमिक्स के इमोर्टस से इंस्पायर्ड था और थर्ड ये वेरिएंट कॉमिक्स में किसी भी कैंग से मैच नहीं करता है, तो हो सकता है कि ये एक रीडिजाइन वर्जन हो किसी नोन कैंग वेरिएंट का लाइक प्राइम कैंग या फिर कम्प्लीटली एक न्यू कैंग वेरिएंट। इस सीन में इमोर्टस कहता है दे आर बिगिनिंग टू टच द मल्टीवर्स एंड इफ वी लेट देम दे विल टेक एवरीथिंग। देन रिवील किया जाता है काउंसिल ऑफ कैंग्स। कॉमिक्स में द काउंसिल ऑफ कैंग्स लीड करता है प्राइम कैंग, लेकिन फिल्म में इमोर्टस को काउंसिल ऑफ कैंग्स का लीडर रखा गया है, तो फिल्म के लिए कॉमिक्स से बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं और द काउंसिल ऑफ कैंग सेटअप करता है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को और फैंटास्टिक फोर को। पोस्ट क्रेडिट सीन, विक्टर टाइमली एक विक्टोरियन इन्वेंटर और कैंग वेरिएंट जो स्टेज पर कुछ रिवॉल्यूशनरी टेक को दिखाता है जहां लोकी और मॉबियस ऑडियंस में होते हैं और लोकी पहचान जाता है कि वो एग्जैक्टली ही हू रिमेंस जैसा दिखता है। कॉमिक्स में विक्टर टाइमली एक इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने विस्कॉन्सिन में एक शहर पाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। कैंग का ये वेरिएंट इस शहर का मेयर बन जाता है। ये क्रेडिट सीन कंटिन्यू करेगा लोकी सीजन 2 को जहां लोकी और मॉबियस 1900 में ट्रेवल करेंगे। तो ये था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटोमेनिया का दो क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।